भाई वो देख दूसरी बस आई है हरियाणा रोड में ना, उत्तराखंड वाली, हरियाणा वाली जाएगी घूम घूम के, तो उत्तराखंड में बैठते हैं, वो जल्दी बचा देगी अपना मैच भी। अब तू मुझे बता, ऐसा तरीका है कि हम सेम टिकट के साथ दूसरी बस में बैठ सकते हैं? ऐसा तो मुझे पता नहीं भाई, ये तो पॉसिबल है नहीं, रोडवेज अलग है। अगर हरियाणा रोडवेज की दोनों बसें होती, मान ले इसी कंडीशन में दोनों हरियाणा रोडवेज की होती और नहीं होता, अपनी बस लेट चल रही है, दूसरी बस पहले चल रही है, नहीं होती, तब भी नहीं होता? कमेंट कर दो आप, आपके हिसाब से क्या जवाब है इसका, पता क्या है इसका आंसर? हो सकता है। एक बार क्या हुआ था, मैं जा रहा था दिल्ली, ठीक है, तो बस रुकी थी करनाल में, तो एक बंदे ने करनाल बस स्टैंड से अपनी बस छोड़ के मेरी बस में बैठ गया, और उसके बाद दिल्ली की टिकट थी। जब वो कंडक्टर आया तो उसने कंडक्टर को ये बात बोली, तो कंडक्टर ने कहा भाई तेरे को नई टिकट लेनी पड़ेगी, कट गया उसका, उसने 500 रुपये दे के नई टिकट ले ली। फिर कंडक्टर ने हमें सही तरीका बताया, सही तरीका है अगर आपको ऐसे बस चेंज करनी है ना, तो जो आपकी पुरानी बस का कंडक्टर है आप उससे टिकट में साइन लोगे, उसका साइन होना चाहिए। टिकट आपकी है? हाँ, तो फिर मैंने अपनी टिकट में साइन करके, मैंने तो पैसे नहीं दिए। पर यहाँ पे रोडवेज अलग है, यहाँ रोडवेज अलग है, मैं वैसे बता रहा हूँ। जो भैया ने उन्होंने पूरा आंसर बता दिया था, बस एक साइन नहीं मारना था, हाँ हमने साइन मारा, साइन तो हम बचपन से कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी देहरादून, और हम लोग कौन से ढाबे में, ये ढाबा तो मेरे को भी नहीं पता, बस यहीं यहाँ पर यहीं पर रुकती है ऐसे, बस हाँ नारायणगढ़ के बाद एक ढाबा है, यहाँ बस रुकती है, आप ढाबा देखो उतरोगे तो गाइस 40 रुपये का चूना लग चुका है, और ना समोसा मत खाना भाई, छोले समोसे मत खाना, सही में बेकार है, कहाँ जा रहा है, डरा दे भाई इसने। कल मैं हसल देख रहा था भाई, उसमें ना ऐसा होता, कल एलिमिनेशन राउंड था, तो उसमें दो बंदे होते हैं, उनका फेस ऑफ था, मतलब उनमें से जो मतलब हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो कल पहला फेस ऑफ था, पहला एलिमिनेशन था, तो भाई दो बंदे आए गाना गाने, ठीक है, गाना तो नहीं गाते, रैप करने, अब तो गाना ही है वैसे, पर कल उन्होंने रैप कर दिया, तो भाई दोनों ने रैप किया, पहले वाले ने बढ़िया रैप कर दिया, मैंने कहा भाई दूसरा वाला बाहर है, दूसरा वाला लिरिक्स भूल गया अपने, उसने फ्री स्टाइल कर दिया भाई, बंदे पागल हो गए भाई, तगड़ा फ्री स्टाइल किया था उसने, ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लिप भी डाल दूंगा। सब बोल रहे थे भाई बढ़िया किया है, पर मेरे को ना उसके बॉडी लैंग्वेज देखी, जितना मेरी नॉलेज है मेरे को लग रहा था भाई वो यही प्रिपेयर करके आया था, उसने इसको ऐसा बना दिया कि सबको लग रहा था उसने फ्री स्टाइल कर दिया। पता क्या क्या किया था उसने, जैसे चार जज थे तेरे पास आया, उसने डीनो जेम्स का पैर छू लिया, वही लाइन बोल दी, EPR से गले मिल गया, वही लाइन बोल दी, DC थी उसको रानी रूनी बोल दिया, अपना कौन था, इक्का था, इक्का को भी कुछ बोल दिया, एक भी लाइन आज तक नहीं लिखी थी, ऑन द स्पॉट बनाई है। अबे साले एलिमिनेशन आउट था, बच गया वो, दूसरा बंदा बाहर हो गया, हो सकता है भाई, बाकी पता नहीं भाई क्या बता, यही उसकी स्क्रिप्ट हो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सबका दिमाग चला नहीं ना भाई, वहाँ जज बैठा होता ना मैं बोला भाई एक और बना के दिखा दे, मैं कुछ करता हूँ तो उस पर रहना, तो पता है ये होना चाहिए था यार, पर चल ठीक है, बस चल पड़ी है, छेत्री आया नहीं भाई टाइम पे, ऑन स्पॉट बची गए। अंकल मुझे बोलता है कि, मैंने कहा अंकल मेरा दोस्त आ रहा है 5 मिनट में, वॉशरूम गया है, वो बोलता क्या बनेगा देश का, मैं कहा अंकल सही बात है, साले इनकी वजह से लेट होते, बोलते नहीं नहीं वो साली लड़की सिगार पी रही है। कहाँ तक पहुँचे, पहुँचने वाला देर दिन में एंटर कर गया, दूर है 14 मिनट दिखा रहा है, 5 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं देहरादून, सिर्फ मोमोज खाने के लिए हम लोग बस अड्डे नहीं उतरे, हम उतरे हैं IIM, आप लोग गैस कर लेना कौन सी जगह ये, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, गलत आ गया भाई, क्यों, उसने कहा कि भाई यहाँ से तो बहुत दूर है, गूगल मैप से उतर रहा है, गूगल मैप सला चूतिया, ये देखिए उसका, इसने सारे ने गूगल मैप अपडेट नहीं किए, और अभी कितना पुराना है, 4 साल पुराना है, 4 साल में यहाँ पर कई सारे रास्ते बन गए, अभी भी पुराना रास्ता दिखा रहा है सर, उन्होंने राइट मुड़ना है, अब यहाँ कहाँ राइट, यहाँ से राइट उतारना कहाँ पर है, घर के अंदर अंदर चाय पानी पिएंगे फिर आगे निकलेंगे, फंस गए हम भाई को IIM में बुला लिया, हम गलियों में, अब उसको ये नहीं मिलेगा, हम वहाँ पहुँचेंगे, हमको वो नहीं मिलेगा, हम वहाँ पहुँचेंगे तो भाई हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, पैदल चलते रास्ते में कहीं मोमो खा ले, सिर्फ ये मोमोज की वजह से हुआ है, कमेंट लव मोमोज,
क्या? नहीं नहीं पैसे पैसे भी चलो चलो जिस चीज़ के लिए हम चंडीगढ़ से देहरादून ट्रैवल करके आए फाइनली यही। अरे भाई पैसा वसूल 40 की प्लेट है 10 मोमोज मज़ा आ गया। चलो भाई अगले ब्लॉग में मिलते हैं। Thank you.